खैर हो, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला है मेरे मालिक। तू गफूर रहीम है, सबकी खताएं माफ फरमा। अपने महबूब का नाम लेने वालों को फतह अता फरमा मेरे आका। वालदैन को औलाद का दुख न देना मेरे मालिक। सबको अपनी आवाज में रखना और हिम्मत कर फेजा, हिम्मत कर। देख, अगर तू हिम्मत हार गई ना तो ये लोग हमें कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे हमें। सजावल, अब मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। ठीक है फेजा, हमें हमें बस थोड़ी दूर तो हिम्मत कर। शाबाशी, हिम्मत कर। सजावल, अगर मेरे भिराओं को पता लग गया कि मैं तुम्हारे साथ, फिर भी मौत। अब क्या होगा सजावल? बस तू हिम्मत रखा। शाबाशी, हिम्मत रखा। आजा आजा फिजा, आजा आजा फिजा।
सिद्धार्थ, अब मेरे जिस्म में जाने मिले। सिद्धार्थ मत कर। सुजावल, मेरे को लगता है चारों पास से मौत खड़ी है। देखो फैजा, ये सब कुछ तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। जब दो प्यार करने वाले कोई वादा करते हैं ना, तो फिर अपनी जुबान पर कायम रहते हैं। अगर एक दूजे के साथ जी नहीं सकते तो एक दूजे के साथ मर तो सकते हैं ना, पर तू तो मरने वाली है। सुजावल, तुमसे प्यार अपनी जगह, पर भिरावों की गैरत ने मेरे पैर जकड़ लिए हैं। मैं को यूं लगा मैं अपने घर या गांव की हद पार नहीं कर रही, बल्कि अपने जान भराओं की लाशें पार कर रही हूँ। बस ये ख्याल जेन में आते ही हिम्मत जवाब देगी। ऐसा जिस दिन मैं अपनी हिम्मत हार गया ना, तो उस दिन समझ लेना कि अपने रास्ते जुदा। ना सजावल, ना ऐसा ना। मैं देखो बहुत प्यार करती हूँ। तेरा बड़ा बड़ा साजू है ना, वो हमारी मोहब्बत में नफरत की सबसे बड़ी कंध है। और अगर मैं चाहूँ ना, तो इस नफरत की कंध को चूर चूर कर दूँ। ना सजावल, ना ऐसा कभी सोचना भी ना। साजू लाला जैसा भी है तो मेरा बिरा, मेरे सिर की चादर, और ये चादर मेरी हयाती। तो फिर क्या अपनी हयाती से क्यों मेरे को तेरा रिश्ता क्यों नहीं देता? दो बारी मेरा बाबा अपनी पूरी बरादरी लेकर तेरे घर तेरा रिश्ता मंगन गया, पर हर मर्तबा साजू ने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। क्यों? क्या आयब है मेरे में? सारी बुराई है मेरे में है? बोल, बोलती नहीं। देख फैजा, मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर अगर तेरे में हिम्मत है ना, तो अपने भरावा से बात कर ले। देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ फैजा, मेरे साथ भाग चल, भाग चल मेरे साथ। फैजा, फैजा सोचती क्या है? फैसला तय को करना है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। Oh,
करना। चल चल करवंश। पहला तू सुना नहीं, चल घर जा। दिल तो कहता है कि अपने पिस्तौल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी उतार दूं, पर सोचता हूं कि तेरी मौत से भी मेरी भेड़ फैजा की बदनामी होगी। इस मुलाकात को ख्वाब समझ के भूल जा सजावल, और आज के बाद फैजा को मिलने की कोशिश न करना। साजू की यारी के नाते से तो मेरा दिल कहता है कि तेरा भेजा उड़ा दूं, पर अकबर खान से ये सब के तुझे माफी दे रहा हूं। चल जा जा सजावल, जा तलवन, कहीं ऐसा ना हो कि यारी का खून मेरी आंखी में उतर आया और मैं तेरी मौत क्या कर दूं। जा जा सजावल जा। जाएगा किसी दिन। हाँ मेरी खुद समझ नहीं है, कभी कभी मैं हंसने लगता हूँ और कभी मेरा खून खौलने लगता है। ऐसा कभी सोचना भी मत, मेरे पेरेंट्स इस पर कभी राजी नहीं होंगे। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के मालिक, और वो चाहते हैं कि मैं उनके बिजनेस को ऐसे भी मुझे किसी छोटे मोटे फ्यूडल आउटलुक वाले हस्बैंड के पल्ले बांधना कभी पसंद नहीं। अगर इस तस्वीर को पहले किसी ने ना देखा हो तो धीमी रोशनी में, ज्यादा रोशनी में भी हम दोनों एक ही, हम दोनों में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता ही ऐसा है। फैजा कहाँ है? ससी को मिलन गई है, बड़ी आवड़ वाली हुसी। खैर है मेरे पैक के गई है, किसी शरीक के घर नहीं गई। क्या बात है, तू इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, मैं तेरी इस कुलाड़ी से बहुत डर लगता है साजू। कमले, इससे डरने की क्या बात है, ईदा मर्द दा जेवर है। हाँ चंगा जेवर है जो कई दा खून कर देवे। किस तरह की बातें करेंगे। क्या बात है, कुछ लुका रही है मुझसे? तें तू लुका के मैं को मरना है क्या? जानती है कि झूठ से चिढ़ है मेरे को। पैसा किथा गई थी? मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, किथा गई थी? मैं तेरे को दिखाया है ना, बेटे घर गई है। देखो कोई बात का है कि अब वो तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं उस घर को, जिथा मैं जमी, जिथा मेरा चाचा है, जिथा मेरी बहन ससी है, जिथा मेरा भिरा है सजावल। जहर लगता है तेरा भिरा मुझे। क्यों जहर लगता है? जिमे तेरे वास्ते राजू है ना, मेरे वास्ते मेरा भिरा सजावल है। तेरी नफरत मेरे दिल तो भिरा का प्यार नहीं कट सकती।
मेरे वश में हो तो उसे इस गांव से निकाल दो, बेहिस बेजमीरा अकबर खान राजम जा। शिकार को पता चल गया कि आज अकबर खान शिकार पे निकला हुआ, मेरे डर से बिल्कुल गायब हो गया। खान साहब, ताड़ी दहशत इतनी है कि बंदे तो क्या जानवर भी खौफ खा जाते हैं। जब मैं ये फरमाइश करूं कि शिकार को मेरी बंदूक के सामने लाकर खड़ा कर दूं तो फिर? खान साहब, अगर शिकार न लता तो सुल्तान अपनी जान पेश कर देगा। सही वाह सुल्तान वाह, सुना सुल्तान की बातें? जी सर। सुल्तान वफादार भी है और जान निसार भी। बोला जी। कहां सही शिकार तो नहीं मिल रहा, जरा झुमरी ही डालो। हाँ जी, कहां सही। बस 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 बस, मजा नहीं करते बस। हाँ जी, तो आपको पता है ना? तो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, बल्कि को पता है। ये पता ही कौन? फैजा, क्या है? घर जाई तू रात मेरी जान बचा के मेरे पहचान की पाए। देख फैजा पुत्र, जिन हम मैं यहीं घर आई हूं, तू तेरा जो बहुत छोटे आवे, मैंने तुम दोनों को मां बनकर पाला है। यही वास्ते मैं तुम्हारी हर दुख सुख को जान दिया। भरजाई, मैं सजावल की बातों में आके उसके साथ भाग के जा रही थी। फैसला, तुम क्या आधी पाई है? ये फैसला करें देते को रति बराबर भी ख्याल नहीं आया। फिरा इस बस्ती का बाइज्जत गैरतमंद रखवाला है तो शरीकों के लिए भी लड़ पड़ता है। दुश्मन भी तेरे भरा पर फख्र करते हैं। अभी तू भेड़ होके उसको जीते जी मारने लगी थी। शर्म कर फैजा, शर्म कर, शर्म कर तू। भरजाई मैं को माफ कर, भरजाई मैं को माफ करे। भरजाई मैं कबूल जरूर हुई है पर मैं भटकी नहीं। एक बात सुन ले फैजा, बेटा फेरा
सजावल को पसंद नहीं करिंदा। ही वास्ते ये रिश्ता नहीं थी सकता। भूलवन सजावल को भूलवन। भला देखा मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सोनी खानसादी साहबा, बहुत सोनी लग रही है। भला आपका कोई मुकाबला कर सकती है? जब खान साहब आए ना तो मुझे फौरन बताना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए खानसादी साहबा, वो छोटी खानसादी को खबरदार। जो उसको मेरे सामने खानसादी कहा तो डैन न जात पात का पता न अगले पिछले का पता, पता नहीं कहाँ से उठा ले उस त्रुट मोई को। गलती थी गई है, माफ कर दे। चल ठीक है ठीक है, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, चल उठ बाहर जा चल। अच्छा अच्छा खानसादी साहबा। ना ये डैन क्या समझती है ये मेरा मुकाबला करेगी खानसादी आलिया का? मैं तो इसका दिमाग घुमा के रख दूंगी फिरकी की तरह। बेगम साहब तू इतना के था, आज आप बाहर कैसे तशरीफ लाई हैं? ये कहकर आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुमको ये एहसास दिला रहे हैं कि इस तरह से बाहर आना कुछ ठीक नहीं है। आपकी बड़ी बेगम साहिबा खानजादी की जिद में बाहर कदम रखना पड़ा। ओहो वो बेचारी, उसको क्या बता, वो तो इसी तरह से बोलती रहती है, उसकी बातों का बुरा मत मनाए। तौबा तौबा, इस तरह के तंज करती है कि बस बस बस, गुस्सा ठीक नहीं, तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हाँ ये हुई ना बात, मुस्कुराहट अच्छी लगती है, आओ। चलो तुम मुझे देख के मुस्काई क्यों है? देखा देखा अकबर खान किस तरह बात करती है ये। अच्छा अकबर खान, मैं बुलाऊं तो खान सही और तू बुलाए तो अकबर खान, वार इतनी जुर्रत त्रट मोई। आलिया क्या कहा है इस विचारी ने जो तुम इतना नाराज हो रही हो उसके ऊपर? विचारी कितना ख्याल है अपनी लाडड़ी का। अकबर खान इसे रोको वरना बहुत बुरा होगा। अरे इससे बुरा और क्या होगा, तू पहाज बनकर मुझ पर आ गई और क्या बुरा होगा। ये जो तू मुस्का मुस्का के तंद दिखाती है ना अपने, तेरे बत्री तंद भन दूंगी। आलिया चुप कर, तू हद से ज्यादा बढ़ गई है। आपने इस त्रुट मोई को खुश करने के लिए मुझे कह दिया चुप कर, वो भी खानजादी आलिया को कहा। इसमें आपका कसूर नहीं है, आप पर काला जादू हुआ है, ये तवीज करती है। ये मुझे क्या जरूरत है जादू करने की, ये तो वैसे ही मेरे हाथ में है। ऐसे ही तेरे हाथ में नहीं आए खान साईं, तूने काला जादू किया है जादूगरनी। मैं तेरे काले इल्म का तोड़ ढूंढ कर लाऊंगी, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, स्वा स्वा कर दूंगी तुझको, भस्म कर दूंगी तुझको। बस ऐसे ही वहम में फंसी रहना और जल्दी कुड़ती रहना। आप देख रहे हैं ना कैसी बातें कर रही है, आप तो बस चुप बैठे हैं। बस करो बस, खुदा दनाए बस, बहुत देर से तुम दोनों की भाव भाव सुन रहा हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं, बस बोले चली जा रही है बोले चली जा रही है। इसे तो चंगा है कि मैं डेरे पे पड़ा रहा हूँ दिन रात। खुश हो जा डाई, अब तू खुश हो जा, चले गए अकबर खान। अरे मैं
खुश हूँ। तू सर जल कोढ़ मर, चलती है मेरी जूती। अब तू मुझे जूती सुनवाएगी? तू सुनवाएगी मुझे जूती? वाह, भागी लड़ाई ते मालिक बन बैठी, बड़ी शोधी। मुझे क्या शोधी? खबरदार तो मुझे शोधी का दो, वरना मैं कोई चीज उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। मुझे मारेगी? तू मारेगी मुझे? खानसादी आलिया को तू मारेगी? मार मार मुझे, मार ले ले मार ले मार मार मुझे। कोई चीज उठा के दो किसने? ये पकड़ भारी है, मार मुझे, मार मार दे क्यों नहीं, मार मार मुझे मार। अब मुझे क्या जरूरत है मारने की, पागल तो तू हो ही गई है। मैं पागल हूँ? इसने मुझे क्या कहा है? मैं पागल हूँ? अरे वह सही जी खानसादी साहबा, मैं पागल हूँ? नहीं खानसादी साहबा, आप हिम्मत करें, हौसला करें। चल दफाती, मुझे कहती है मैं पागल हूँ, मैं अब इसका खुद बंद करूंगी। बंदोबस्त? और कैसा बंदोबस्त, मैं समझा नहीं। बाबा एक तेता को गल समझ नहीं आंदी, मैं चाहना कि आखिरी बारी कोशिश करके देख ले, शायद साजू मान जाए। ओए कमला, ओए तेको पता तो है साजू के गुस्से और जिद का, वो एक दफा जो फैसला कर ले वो उस पे कायम भी रहता है। क्या ऐसा सुखा बैन का वट्टा नहीं मान सकते? खबरदार है सजावल, आज ये वट्टे सट्टे की गाल की थी वल्ला करी बेवकूफ। वही वट्टे सट्टे की रिश्तेदारियां और शादियां एक नहीं कामयाब नहीं रहती, करें ना करें कोई ना कोई मसला जरूर पैदा होता है। मेरी धी सुखा उस घर में खुश है, वो मैं क्यों कोई झेड़ा झगड़ा उसके लिए कोई मसला पैदा करूं? ना ए नथी सी बाबा, बाबा मैं फैजा को बहुत जानना, उसके बगैर रह नहीं सकता। जे साजू ने रिश्ते की हाँ ना की ना, तो वल मैं को कोई और कदम उठाना पड़ेगा। ना हो पुत्र, गुस्सा हराम है, गुस्से चाहते कोई को गलत फैसला कोई अजा फैसला ना करी कि सारी जिंदगी जिल्लत ते शर्मिंदगी का बायस बने। सारी एक धी बई भी है जिसकी अभी शादी करनी है। सस्सी, ओ सस्सी,
जब जिंदगी हो जाए कुछ साफ। फूड मैगनी से काम ले, सिर्फ नए लक्स वाइट में है बादाम की नुमाया खूबियाँ, जो आपकी जिल्द को दे नरम मुलायम और शगुफ्ता एहसास। सुना तुमने, लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये क्या है? हाँ जी हाँ, अब सिर्फ 5 रुपए में ले आइए फेयर एंड लवली का नया साशे और पाइए असली निखार। दिन ब दिन निखरती जा रही हो, प्यार है या फेयर एंड लवली का नया साशे। सेहतमंद जिस्म के लिए प्रोटीन खाओ, सेहतमंद बालों के लिए प्रोटीन से नहाओ। लाइफबॉय प्रोटीन शैम्पू, सेहत से भरपूर चमकते बाल। चाचा किन ख्यालों में गुम है? शाकिर तू फिर मजाक उड़ा रहा है। अरे चाचा तो हुक्म कर, मैं तेरे की तो क्या कर सकता हूँ। और जब वक्त आएगा तो बोल दू। चाचा तू मेरा यार भी है, तेरे किते तो जान हाजिर है। ससीनी है। अरे चाचा को बोला क्या खबर, पूनल उसी की राह में बैठा है। तू फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है। चाचा ये मजाक नहीं है, उनको बोला क्या खबर कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। कहो तो मैं बुला लूं। ना शाकिर, इस तरह बुलाने का क्या फायदा, उसके दिल में भी तो तड़प होनी चाहिए। लगता है मेरे प्यार में कोई कमी है, जो ससी तक मेरे दिल की आवाज नहीं पहुंच रही। अरे चाचा वो मेरी खाला है, कहो तो उसे तुम्हारी बात करूं। वे ना कमलिया, ये गलती कभी ना करना। यही तो डर है कि ससी तेरी खाला है, और मैं नहीं चाहता कि भरजाई सुखा को कुछ भी पता चले, नाराज थी जाएगी। छोड़ चाचा, तू भी फारिग है, मजनू की तरह बैठा इंतजार कर रहा है। ए कमले, ते को क्या खबर, और ते को क्या खबर ये मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और जब तक ससी को मेरे प्यार का यकीन नहीं ना होता, मैं इसी तरह उसका इंतजार करता। तो मेरे इंतजार किधर गया? कुछ कहीं से सी कुछ नहीं, तो अपना काम। इतना ही दिल उदास है तो सुखा बहन को मिला? तू जाती साजू से झगड़ा हो। ले झगड़ा किस बात का? तूने सुखा बहन को मिलना है, इसी बहाने फैसला को भी की नजर देख लेना। ना ससी, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों साजू को मेरे नाल रह गया है। तू कह तो मैं सुखा बहन से बात करूं कि वो साजू ग्राह को समझाए? कोई फायदा नहीं, मैं को पता है मेरी बहन मेरी हिमायत नहीं करती, वो भी उस घर में रह रहे के ना साजू जैसी थी गई है। एक बंदा है
जो साजू भरा को समझा सकता है। वो कौन? लाला सुल्तान। सुल्तान जी, अकबर खान लाला सुल्तान से बात करे ना तो वो साजू को समझा सकता है। दिल तो कहता है कि मैं पिस्तौल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी उतार दूं, पर सोचता हूं कि तेरी मौत से भी मेरी भेड़ फैजा की बदनामी होगी। इस मुलाकात को ख्वाब समझ के भूल जा सजावल, अर्ज के बाद फैजा को मिलने की कोशिश न करना। साजू की यारी के नाते से तो मेरा दिल कहता है कि तेरा भेजा उड़ा दूं। क्या सोच रहे? सोचता पया के अकबर खान से बात करूं या ना, पर फिर सुल्तान। बरजई सुखा, तू है बड़े नसीबों वाले, देखो प्यार करने वाला तो सवे शाम तोड़े नाल रहे, रोटी टुक्कर भी कट्टे ही खावे। हाँ हाँ, ये तो है। सुखा, हमारी यारी को नजर ना लगा देना। ना साजू, तो सांडुआ को किसी की नजर नहीं लग दी। माशाल्लाह, 3 साल तो हो गए हमारी यारी को। और मियां तौबा तौबा कर, तौबा तौबा कर, बड़े बड़े बद नजरे पड़े हैं। पर जय सुखा के तो मजे हैं, घर फैजा ने संभाल रखा है, बाहर के काम काज राजू और शाकर ने संभाल रखे है, दुए मियां बीवी कभी किधर फिरते रहते हैं। बरजाई, मेरे सोने रब का शुक्र है कि राजू जैसा ताबेदार भरा दिया, शाकर जैसा मेहनती पुत्र, मुझे भला काम करने की क्या जरूरत है। मैं और सुखा तो प्यार भरे गीत गाएंगे, क्यों सुखा? साजू भरा, जरा अपने यार को भी समझा। क्या समझाऊं बरजाई इसे, ये अकबर खान की गुलामी से निकले तो इसको कुछ समझाऊं ना। सुल्तान, मैंने तक इसलिए सदवाया है कि तुमसे करनी है एक जरूरी बात। हुक्म खान से। सुल्तान, तेको तो पता है कि मैंने साजी को कई बार मुलाजमत देने की कोशिश की, मगर वो हर बार इनकार करता रहा, अपने आप को बड़ी शय समझता है। मैंने भी सोचा है सुल्तान, उसका सर जरूर झुकाऊंगा और ये काम तुम करोगे सुल्तान, तुम। सही सही खान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं को पता है सुल्तान, साजू तेरा जिगरी यार, मैं भी उसे यारी की मार मारूंगा। मुझे सजावल के लिए साजू की बहन फैजा का रिश्ता चाहिए, अपने कमी से उसकी बहन की शादी करके मैं फैजा को अपनी नौकरानी बनाऊंगा जो मेरी खिदमत करेगी। सुल्तान, साजू की हां चाहिए बस।